यूपी के संभल जिले में पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। दरअसल संभल जिले के चंदौसी पुलिस ने लूट और छिनैती करने वाले दो आरोपियों और एक बलात्कारी को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर संभल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आरोपियों ने संभल जिले में चार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और तब से फरार चल रहे थे। इन आरोपियों ने मुरादाबाद, बदायूं के आसपास के जिलों में लूट छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बाद चंदौसी कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही इनके कब्जे से 10 लूटे हुए मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 4100 रुपए नगद, 3 अवैध असलहा भी बरामद किया है, जिसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है। भेजा जा रहा है, इनके पास से कुल 2 मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, 1 काले रंग का पर्स, 1 काला बैग, कुछ नकद पैसे, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, ये चीजें बरामद की गई हैं। इनके द्वारा चंदौसी, संभल, मझोला जो कि जिला मुरादाबाद में है, और बदायूं के क्षेत्रों में कई सारी लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। संभल से जनमत न्यूज के लिए रामवरेश की रिपोर्ट।